जो बड़े लोग आके बात करते हैं ना वो बलूचिस्तान के, आप उसको फौरन इजाजत दे देते हैं। आपको भी, आपको भी मैं तो आपका माइक बंद करूंगा, फिर वो निकाले बाहर चापेचर को। वो थ्रेट जो उसने हमें भेजे हैं, डॉक्टर साहब ने जो बात की है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्पीकर साहब से आप थोड़ी सी, मैं भी आपका आपका साथी हूँ, आपका दुश्मन नहीं हूँ। असेंबली आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी। पूरा दो हफ्ते से हम ख्वार हैं, जलील हैं। दो मेंबर्स गवर्नमेंट से नॉमिनेट कर दें, वो इस वाकये की इंक्वायरी करेंगे। अब बलूचिस्तान सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए जल रहा है, हमें भी पता है उसकी इम्पोर्टेंस का। आप तशरीफ रखे, आपको मौका मिलेगा बात करने का। एजेंडे के मुताबिक चलेंगे मौलाना साहब। मौलाना साहब आपसे गुजारिश है, मैं आपसे कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि असेंबली को रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलाएंगे। आपका आपकी बात अगर 5 मिनट बाद हो जाए तो कोई आसमान नहीं गिरता, यही बात इसी सेशन में करेंगे। सवाल और जवाब बात अगर 5 मिनट के बाद हो जाए भी क़यामत नहीं गिरता। मैं तो आपका माइक बंद करूंगा, फिर वो बात करने दे, हमें करने देंगे, आपको करने देंगे बात करने। आप तशरीफ रखे, आपको मौका मिलेगा बात करने का। देखें यूनिस साहब, देखें आप सब जो है ना, इस तरह नहीं, आप सब हमें बात मेरी बात जरा सुन ले जनाब स्पीकर। मैं स्पीकर साहब से आप थोड़ी सी, मैं भी आपका आपका साथी हूँ, आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ इस चीज में, क्योंकि जो रूल अभी हम लोगों ने तय कर लिया है स्पीकर साहब के साथ कि ये वक्फे सवाल ये करके उसके बाद हम उस पे आ जाए। आपके आपको मौका मिलेगा बात करने का। आप सबसे पहले आप बात करेंगे। आप तशरीफ रखें प्लीज। जो बड़े लोग आके बात करते हैं ना वो बलूचिस्तान के, आप उसको फौरन इजाजत दे देते हैं। आपको भी, आपको भी देखे मौली साहब, देखे अगर आप बात नहीं समझेंगे फिर मैं तो आपका माइक बंद करूंगा, फिर वो फिर दूसरा ऐसा नहीं चलेगा। माइक बंद करे। जी ऐसे आप जिधर आप मर्जी है कर ले, बंद है, ठीक है। जी आपकी स्पीकर बंद करेंगे अगर आप असेंबली को नहीं चलने देंगे, अगर आप असेंबली को नहीं चलने देंगे आपका स्पीकर भी बंद करेंगे। ये किधर है अपना निकाले बाहर निकाले साहब, चले जल्दी करें साहब, निकाले बाहर चापेचर को। और आपकी आपकी आ जाए, मैं असेंबली आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी, असेंबली आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी। नहीं चलेगी असेंबली आपकी मर्जी के मुताबिक। तादाद ज्यादा हो गई, पहले 25 गुजारिश कर लेगा डॉक्टर साहब। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, अगर लोकल बॉडीज के चेयरमैनों को साथ ये सुलूक हो
तो फिर मैं समझता हूं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी थर्ड टायर्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैंने सीएम साहब के भी नोटिस में लाया है, वो थ्रेट जो उसने हमें भेजे हैं वो भी मैंने सीएम साहब को भेजे हैं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर कहता है कि जी फिर मैं आपको उसी तरह ट्रीट करूंगा, बाबा आप डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। फिर सर अगर आप उसके इंक्वायरी कमेटी में सीएम साहब आप डीसी को बनाएंगे ना, तो आप बराए मेहरबानी आप फिर ये है कि आपके पास इख्तियार है जितने नेशनल पार्टी के लोकल बॉडीज के चेयरमैन हैं उनको डिजॉल्व कर लो और क्रेडिट सी को दे दो। हम फिर आपके लोकल बॉडी के पैसे नहीं बनेंगे। जब खैरजान पे पूरा दो हफ्ते से हम ख्वार हैं, जलील हैं, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप देते हैं डीसी को, कौन सा ब्यूरोक्रेट है जो ब्यूरोक्रेट के खिलाफ इंक्वायरी में जो है ना सच बोलता है। तो मैं समझता हूँ अगर ये रवैया रहा तो लोकल बॉडीज में हमारी कोई हैसियत नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने जो बात की है जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर साहब की सर्टिफिकेशन, वैसे तो तारीखी तौर पे हम पॉलिटिशियन वो लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हों, चाहे हम एमपीएस हों, चाहे एमएनएस हों, ब्यूरोक्रेट की इंक्वायरी ब्यूरोक्रेट करता है, जज की इंक्वायरी जज करता है, जर्नैल की इंक्वायरी जर्नैल करता है। हम वो बदकिस्मत हैं कि हमारी इंक्वायरी और लोग करते हैं। तो लिहाजा अगर सर्टिफिकेशन नहीं है आपकी, दो मेंबर्स अपोजिशन से, दो मेंबर्स गवर्नमेंट से नॉमिनेट कर दें, वो इस वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। अगर वो अफसर का कसूर होगा उसको सजावार ठहरा दें, पार्लियामेंट ठहरा दें, हम उसको सजा दें। थैंक यू।